काव्या जी की टीम खेले और मीम्स ना बने ऐसा पॉसिबल नहीं है। बंदी के चेहरे को देखकर आप मैच की कंडीशन का अनुमान लगा सकते हो कि वहां पर इस समय क्या चल रहा है, हैदराबाद सही खेल रही है नहीं खेल रही है, ये आपको काव्या जी के चेहरे के बदलते हुए भाव भंगिमाओं से बिल्कुल सटीक रूप से पता चल जाएगा। अब एक बात है, एक ओनर होता है जो कि गोयनका साहब जैसा होता है, जो मैदान पर ही चिल्ला चोट करने लगता है, लेकिन काव्या जी के बारे में एक बात है कि बंदी एंजॉय करती है। अब आप उसको ट्रोल करो कुछ करो जो भी हो, बट बंदी एंजॉय करती है। और जब बंदी की टीम फाइनल में पहुंच गई है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, एक मैच में और मैडम का सुंदर सा चेहरा कैमरामैन को देखने का मौका मिलेगा। अब कैमरामैन देखेगा तो ऑब्वियस सी बात है आप मैं हम सब देखेंगे ही देखेंगे। अब सिचुएशन कुछ यूं थी कि कल हैदराबाद की जो फर्स्ट इनिंग थी उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि यार हैदराबाद ने कहीं ना कहीं कोई तो चीज है जो कि मिस कर दी है, लेकिन सेकेंड इनिंग्स आते आते तक पूरी की पूरी सिचुएशन बदल गई। वो कहते हैं ना जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, वक्त बदल दिया, कुछ वो वाली सिचुएशन बन गई। और काव्या जी भी इस चीज को बखूबी समझ गई कि भैया पैट कमिंस के ऊपर जो उन्होंने इतने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं ना, वो वसूल होने का वक्त आ गया है। मिचेल स्टार्क ने पहले क्वालिफायर में पैसा वसूल करा दिया, पैट कमिंस ने दूसरे क्वालिफायर में पैसा वसूल करा दिया। अगर आप एक तरीके से देखो तो आईपीएल के सबसे महंगे दो खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, ये दोनों ही खिलाड़ी आईपीएल के फाइनल का हिस्सा होने वाले हैं। तो और मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे टीम के मालिक जो कि इस डिसीजन के ऊपर हंस रहे थे, शायद उनमें से किसी की भी टीम आईपीएल के फाइनल में नहीं है। तो इसीलिए किसी के भी कोई भी डिसीजन के ऊपर हमको इतनी जल्दी शायद हंसी का पात्र उसको नहीं बनाना चाहिए। खैर जो भी हो, आईपीएल का सेकंड क्वालिफायर काफी मजेदार रहा। जो बात हम लोग शुरुआत से आईपीएल के बारे में कह रहे हैं कि 250 के स्कोर में वो मजा नहीं आता, जो 170-180 के स्कोर में आता है वो बिल्कुल यहीं पर प्रूव हो गया। दरअसल जिस तरीके का ये कॉन्टेस्ट हुआ ना उसको देखकर मजा आ गया। लेकिन हाँ, राजस्थान ने भी पूरी दम लगाई, एक नंबर बॉलिंग करी, लेकिन कल इनकी बैटिंग क्लिक नहीं कर पाई और यही कारण रहा कि हैदराबाद से वो 36 रनों से हार गए। बट जो भी हो, सोशल मीडिया के ऊपर मीम्स का अंबार लग चुका है, तो हम जरा चलते हैं सोशल मीडिया की तरफ और देखते हैं वहां पे कौन क्या कुछ कह रहा है। यहां पर सबसे पहले ब्योमकेश लिखते हैं, कतई जहर फील्डिंग हो रही है, सरएच फील्डर्स आरआर बैट्समैन से हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। मतलब कल बहुत प्रोफेशनल तरीके से हैदराबाद ने न सिर्फ फील्डिंग करी है बल्कि बॉलिंग भी करी। मिडिल ओवर्स में अभिषेक और शहबाज ने जो काम किया है ना, वो मतलब एकदम प्योर मटेरियल था भाई। ये देखो, हैदराबाद की जब बैटिंग चल रही थी तब कुछ यही हाल था, बोल्ट ने बिल्कुल सिंगल हैंडेडली मैच को जो है अपने कब्जे में कर लिया था कुछ इसी तरीके से। आप बटलर बीडीएस के फोन उठा, अब मजाक नहीं हो रहा, यही होता है यार। मतलब जिस प्लेयर ने आपको फाइनल तक पहुंचाने में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया हो और ऐन मौके पर फिर वो आपके लिए अवेलेबल ना हो, तो कहीं ना कहीं पूरा जो टीम का कंपोजिशन है ना वो बिगड़ जाता है। ऐसे में फिर वाकई में वही बात लगती है जो पठान साहब ने, इरफान पठान ने कही कि या तो आप आओ तो पूरे सीजन के लिए आओ, वरना मत आओ, सिंपल सी बात है। ट्रेविस हेड चेकिंग द जर्सी ऑफ अपोजिशन टीम बिफोर द गेम, बिल्कुल। आप चाहे आखिरी लीग मैच की बात कर लो जो पंजाब के खिलाफ हुआ था, अर्शदीप की पहली बॉल पर बंदा बोल्ड हो गया था, कि 11 के खिलाफ दूसरी बॉल पर मिचेल स्टार्क के सामने बोल्ड हो गया था। इस मैच में रन जरूर बनाए लेकिन वो रन बनाना ना बनाना एक सा ही था, मतलब स्ट्राइक रेट बिल्कुल फिद्दू सा था। बट ठीक है, आखिरी में टीम मैच जीत गई इसलिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। नॉइस कैंसिलेशन अल्ट्रा प्रो मैक्स, बिल्कुल भैया नॉइस तो नहीं होगी। अगेंस्ट आरसीबी, अगेंस्ट एसआरएच, कुछ ऐसी ही हालत हो गई थी राजस्थान रॉयल्स की। आरसीबी के अगेंस्ट बल्ले ठोक रहे थे और एसआरएच के अगेंस्ट तो क्या ही बताओ भैया। ओनली दिस प्लेयर कैन सेव आरआर, अगर ये होते ना तो भैया मतलब मैच जो है दो ओवरों में राजस्थान रॉयल्स जीत जाती, एक बात तो तय थी। अब पूछना कमिंस के लिए 21 करोड़ क्यों खर्च किए, भाई पूछ लो जिसको पूछना, काव्या दीदी सबको जवाब देने बैठी है। काव्या मरन, राजस्थान रॉयल्स को आग लगाने के बाद केकेआर से रिवेंज चाहिए, बदला। काव्या मरन टू सैमसन, कुछ इस तरीके से यहां पर मजे लिए जा रहे हैं कुमार संगरकारा और सैमसन के। बुरा मत मानना सैमसन भाई, बट मेरे लिए काव्या जी की स्माइल ज्यादा मैटर करती है। और स्क्रिप्ट का क्या, वैसे अब देखो ना रोहित शर्मा की मुंबई है, हाँ वही है भाई, देखो मुंबई रोहित शर्मा वो एक ही है ना, रोहित शर्मा की मुंबई है ना, थाला की चेन्नई है और ना ही चीकू की मतलब विराट कोहली की बेंगलुरु है। कोई भी तीनों टीमें, जो तीन बड़े क्रिकेटर्स अभी भी माने जाते हैं इंडियन क्रिकेट के, जिनके नाम पर फैंस थिएटर चले आ, थिएटर बोल रहा हूँ, स्टेडियम चले आते हैं, वो तीनों ही खिलाड़ी अब आईपीएल का हिस्सा नहीं है। तो स्क्रिप्ट में पता नहीं इस बार कौन सा भारी चेंज कर दिया गया है। पैट कमिंस एंड काव्या मरन आफ्टर द मैच, बिल्कुल पैट कमिंस ऐसे ही हाथ जोड़ रहा होगा और काव्या दीदी ऐसे ही मुस्कुरा रही है। गौतम गंभीर के कुछ ऐसे हालात हैं जिसको क्वालिफायर मैच में चुप करवा दिया था, कहीं वो फाइनल में मुझे चुप ना करवा दे। भाई देखो डर तो है और सबसे बड़ी बात अब तो एक मैच इन लोगों ने चेपॉक में खेल भी लिया हैदराबाद ने और चेपॉक में ही फाइनल मैच भी होने वाला है।
तो मजा तो आएगा। हाँ ये देखो भैया, हैदराबाद ने जब जब आईपीएल की ट्रॉफी जीती है तब तब इनका कप्तान एक ऑस्ट्रेलियन ही था। पहले एडम गिलक्रिस्ट थे, जब डेक्कन चार्जर्स यहाँ पर इनकी नाम हुआ करता टीम का, इसके बाद सनराइजर हैदराबाद के कप्तान वार्नर रहे थे और अब पैट कमिंस हैं। देखते हैं क्या होता है, खैर फाइनल दूर है। मैनी फैंस डोंट नो ऑलराउंडर साइड ऑफ अभिषेक शर्मा टुक द विकेट ऑफ कैप्टन सैमसन क्लीन बोल्ड हेटमायर। हाँ ये इंपैक्ट रूल के कारण ये चीज हो रही है कि जो ऑलराउंडर खिलाड़ियों का जो पूरा एक जलवा रहता है वो इस बार हम लोगों ने थोड़ा मिस किया। मिशन पास रिस्पेक्ट भैया बहुत तरीके से यार वो तो। हैदराबाद ये फिर आ गया, ये गौतम गंभीर की झलक देखने की कोशिश करिएगा आप लोग इसमें तो आपको मजा आएगा। लो तुम्हारी लीग में भी फाइनल पहुंच गया गौती भाई, रोक सको तो रोक लो, यही कंडीशन है। नो वन पैट कमिंस टू गौतम गंभीर, लो मैं आया मिलने दोबारा, क्या बोलो। सोशल मीडिया पर दरअसल अब जो एक नया इंटरेस्टिंग बैंटर शुरू हो गया है वो ये शुरू हो गया है कि गौतम गंभीर वर्सेस पैट कमिंस एक बार फिर से देखने के लिए मिलेगा। अब यहां पर आप इंटरेस्टिंग बात देखिए कि सनराइजर्स हैदराबाद का जो मुकाबला होने वाला है केकेआर से, उस केकेआर के कप्तान है अय्यर साहब, लेकिन अय्यर साहब की सोशल मीडिया पर कहीं बात नहीं हो रही है। हालांकि पिछले मैच में बंदे ने एक बढ़िया पारी खेली थी, ट्रेविस हेड के एक ही ओवर में 22 रन कूट दिए थे और टीम को जीत दिला दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी गौतम गंभीर का ही नाम यहां पर ज्यादा सामने आ रहा है। और जब मैं यही बात कहता हूं कि गौतम गंभीर ही एक तरह से आईपीएल में केकेआर की टीम को चला रहे हैं, वही इस टीम के तारणहार है, तब कई लोग बोलते हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं है, गंभीर अपना काम कर रहे हैं ऐसा वैसा। बट देखो गंभीर के आने से आप अगर एक कोचेस का रोल देखो, आप चाहे पॉइंटिंग की बात कर लो, आप ईशी नेहरा की बात कर लो, आप मार्क बाउचर की बात कर लो मुंबई इंडियंस के लिए, एंड आप अगर बात कर लो एक तरीके से ये जो भाई साहब है गौतम गंभीर जो है केकेआर के, ये जो जितने भी मेंटर्स और कोचिंग स्टाफ के लोग जिनके नाम मैंने आपको बताया, अगर आप इनके इन्वॉल्वमेंट की बात करो इनकी टीम के साथ में, तो वो आपको थोड़ा ज्यादा दिखेगा। तो ऐसे में कुछ रिपोर्ट्स अब सामने आना शुरू हुई जिनमें बताया जा रहा है कि आईपीएल के मैचेस में 20% तक कैप्टन का जो हस्तक्षेप है, जो इंटरफेरेंस है ना, वो कम हो गया है। या यूं कह सकते हो कि कोच का जो इंटरफेरेंस है वो इन चीजों में थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। गेम की स्पीड बढ़ चुकी है, गेम को खेलने के तरीके बदल चुके हैं, तो ऑब्वियसली बात थोड़ी सी टेक्निक भी बदल रही है, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन गौतम गंभीर के आने से लिटरली कोलकाता में जो बड़े बदलाव आए हैं, उन चेंजेस को देखकर आपको भी ये मानना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव चेंजेस हैं जो कहीं ना कहीं कोलकाता के बेनिफिट के लिए ही काम करने वाले हैं। एंड हाँ, इस बार अब जो फाइनल होना है ये फाइनल काफी इंटरेस्टिंग होना है, क्योंकि चेपॉक की जो पिच है वो ऐसी नहीं है कि आपको ऐसा लगेगा कि एक सदाबहार पिच है, नहीं, इसके रंग हमेशा बदलते रहते हैं। जैसे कि कल के मैच में भी हुआ, फर्स्ट इनिंग में बॉल टर्न नहीं हो रही थी और सेकंड इनिंग में ऐसी टर्न हुई कि राजस्थान को घुमाकर सीधे वापस ही भेज दिया। तो इसीलिए आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एकदम से कि सटीक प्रिडिक्शन आपने दे दी और वही हो जाएगा। तो सीधी सी बात यही है, आपके पास में मौका है कि आप जितने तरीके से अपने आप को तैयार कर सकते हैं सिचुएशन के लिए, इफ एंड बट, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, आप जितने प्लान बना सकते हैं आप प्लान बनाकर रखें, क्योंकि भैया ऐसा है कि मैच में तो बहुत दमखम लगानी है, ये बात तय है। पैट कमिंस एज अ कैप्टन कोई भी चीज को अनटच नहीं छोड़ेंगे, ये बात भी तय है, चाहे वो रसेल हो, चाहे वो नारायण हो, चाहे वो कोई भी हो, पैट कमिंस हर एक चीज को टच करने वाला है। तो अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में जाकर कि आपको क्या लगता है फाइनल के बारे में। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही, जय हिंद जय भारत।